देश में मनाया गया 71वां संविधान दिवस। कांग्रेस सहित 14 विपक्षी पार्टियों ने संविधान दिवस के कार्यक्रम का किया बहिष्कार। सीपीआईएम का महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन, भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कृपाल परमार और पवन गुप्ता के इस्तीफे को लेकर हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना की प्रतिक्रिया, परमार और गुप्ता का इस्तीफा उनकी व्यक्तिगत नाराजगी। बर्फबारी से निपटने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने कसी कमर, सभी विभागों को तैयार कर अलर्ट रहने के निर्देश। और किसान आंदोलन की वर्षगांठ पर शिमला में हिमाचल किसान सभा व अन्य संगठनों का प्रदर्शन, किसान 19 नवंबर से दिल्ली करेंगे कूच। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। देश भर में आज 71वां संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में मुख्य कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली कहा। साथ ही यह भी कहा कि एक ही परिवार का पार्टी चलाते रहना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि संविधान बनाने वालों ने देश हित को सबसे ऊपर रखा, लेकिन समय के साथ नेशन फर्स्ट पर राजनीति का इतना असर हुआ कि देश हित पीछे छूट गया। पीएम ने कहा, आज का दिन अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरदर्शी महानुभाव को नमन करने का है। आज का दिन इस सदन को प्रणाम करने का है। आज का दिवस बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वत जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था, और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी के जंग में जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। आज 26/11 का वो दुखद दिन भी है जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर मुंबई में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य आदमी की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत हमारे अनेक वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर सर्वोच्च बलिदान किया। प्रधानमंत्री ने आज उन सभी बलिदानियों को नमन किया। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वैसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी
आदर पूर्वक नमन करता हूँ। पीएम ने कहा, साथियों हमारा संविधान सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है, संविधान सहस्त्रों सालों की भारत की महान परंपरा अखंड धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। हमारे लिए लेटर एंड स्पिरिट में संविधान के प्रति समर्पण है। जब हम संवैधानिक व्यवस्था से जन प्रतिनिधियों के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक दायित्व निभाते हैं, तो इसी भावना को याद रखना होगा। ऐसा करते वक्त संविधान की भावना को कहां चोट पहुंच रही है, इसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि हम जो भी कर रहे हैं वो संविधान के लिहाज से सही है या गलत, हमें अपना मूल्यांकन सदैव करना चाहिए। हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है, हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और इसलिए हमारे लिए लेटर एंड स्पिरिट में संविधान के प्रति समर्पण, और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। और जब ये करते हैं तो संविधान की भावनाओं को कहां चोट पहुंच रही है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आजादी के समय देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को यदि ध्यान में रखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। इस उपलब्धि के लिए हम संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और जन गण मन की बुद्धिमता को नमन करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान में वे सभी उदात्त आदर्श समाहित हैं जिनके लिए दुनिया के लोग भारत की ओर सम्मान और आशा भरी दृष्टि से देखते रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे विश्वास है कि आप सब भी इस अवसर पर हमारे महान लोकतंत्र के प्रति गौरव का अनुभव कर रहे होंगे। इसी सेंट्रल हॉल में 72 वर्ष पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वाधीन भारत के उज्ज्वल भविष्य के दस्तावेज को, यानी हमारे संविधान को अंगीकार किया था तथा भारत की जनता के लिए आत्मार्पित किया था। हमारी आज़ादी के समय राष्ट्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को ये ध्यान में रखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र को निसंदेह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। इस उपलब्धि के लिए हम संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और जनगण मन की बुद्धिमत्ता को नमन करते हैं। देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने संसद के केंद्रीय हॉल में होने वाले संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इनमें शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आईयूएमएल और डीएमके शामिल है। कांग्रेस और तृणमूल ने पहले ही कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस की अपील पर बाकी पार्टियों ने भी कार्यक्रम में ना पहुंचने का ऐलान कर दिया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया। शिमला शहर में भी प्रदर्शन किया गया और उपायुक्त कार्यालय से नाज तक जुलूस निकाला गया। इस प्रदर्शन में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सीपीआईएम का कहना है कि आज देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार द्वारा जो नीतियां लागू की जा रही है उससे महंगाई में भारी वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा निरंतर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम 110 रुपए से पार कर गए हैं।
वर्ष 2014 में जब से मोदी की सरकार आई है, पेट्रोल और डीजल पर कई गुना उत्पाद शुल्क बढ़ाया है। सरकार एक ओर कॉरपोरेट घरानों को छूट दे रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनता पर टैक्स का बोझ डाला जा रहा है। रसोई गैस की कीमतों में निरंतर वृद्धि की जा रही है। आज घरेलू गैस का सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर मिल रहा है और व्यावसायिक सिलेंडर 2200 रुपए से ऊपर मिल रहा है। सरकार की नीतियों से खाद्यान्न, खाद्य तेल, प्याज, टमाटर व अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है। जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें भाजपा के जितने भी उम्मीदवार थे वो प्रदेश की जनता ने जो है उन्हें हराया है। हम प्रदेश की जनता को जो है धन्यवाद देना चाहते हैं और उसी दबाव के चलते जो है जो देश में मोदी की सरकार है और राज्य में जयराम जी की सरकार है, उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर जो है वो कीमतें घटाई है। यही वो मोदी की सरकार थी जो पहले कहती थी कि हमारे हाथ में जो है तेल की नियंत्रण जो है वो है नहीं है, परंतु जैसे ही जो है उपचुनाव के अंदर झटका लगा एकदम जो है ये कीमतें जो है घटाई गई है। दूसरा आप देख रहे हैं गैस के सिलेंडर, जो घरेलू गैस का सिलेंडर है उसकी जो वो रेट है वो 1000 से ऊपर है और मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है जो ये कमर्शियल सिलेंडर है वो 2200 रुपए का जो है मिल रहा है और जो छोटा मोटा चाय बनाकर जो कारोबार करता है आज उसकी रोजी रोटी के ऊपर जो है संकट आया। इसी के साथ आप देख रहे हैं सरसों का तेल जो है 220 से ऊपर बिक रहा है, बाजार के अंदर सब्जियां जो है वो सैकड़ा पार कर गई है, टमाटर अगर आप देखेंगे 100 के भाव से बिक रहा है। आज एक और जो है इन नीतियों के चलते जो केंद्र में मोदी की सरकार लागू कर रही है इसके चलते जो है रोजगार समाप्त हो रहा है। ये जो पिछले कुछ समय में आर्थिक संकट हुआ है जहाँ सरकार को राहत देनी चाहिए थी वो राहत जो है सरकार दे नहीं रही है, उल्टा जो है आम जनता के ऊपर ये पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज का टैक्स बढ़ाकर GST की तरह जो है जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनके ऊपर बढ़ाकर अपना खजाना भर रही है। CPIM का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से डिपो में मिलने वाले राशन की सब्सिडी में कटौती की जा रही है। बिजली, पानी, कूड़ा उठाने की फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, बस किराया व अन्य सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की जा रही है। CPIM भाजपा सरकार की इन मजदूर, किसान व आम जनता विरोधी नीतियों का विरोध तब तक जारी रखेगी जब तक सरकार अपनी इन जन विरोधी नीतियों को बंद नहीं करेगी। हार से सबक लेकर भाजपा के 2022 के मिशन रिपीट को लेकर चर्चा जोरों पर है। भाजपा कोर ग्रुप से लेकर कार्य समिति की बैठक में हार पर मंथन कर रही है। भाजपा का कहना है कि हार से सबक लिया जाएगा और 2022 में किस तरह सरकार रिपीट हो इस पर मंथन जारी है। हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने पवन गुप्ता और कृपाल परमार के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भाजपा ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर वर्ग के लिए काम किया है और आगे भी पार्टी नए जोश के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा कोर ग्रुप से लेकर कार्य समिति की बैठकों में मंथन कर रही है। उन्होंने कृपाल परमार और पवन गुप्ता के इस्तीफे को लेकर के कहा कि किसी की व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, पार्टी से नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि हार से सबक लिया जाएगा और 2022 में किस तरह से सरकार रिपीट हो सकती है इस पर मंथन जारी है। मैं समझता हूं कि जो जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है ये हमारे लिए एक लेसन भी है, आई ओपनर भी है। 22 का इलेक्शन बड़े दमखम से लड़ेंगे और जो कोई कमी पेशी रही है उसको दूर करते हुए जनता की, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन मुझे इतना गर्व है, विश्वास है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जिस ढंग से काम किए हैं, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण हमें अपना सिर झुकाना पड़े। हम इस पार्टी में नाराज़गी कभी भी व्यक्ति की पार्टी से नहीं होती, किसी व्यक्ति से हो सकती है, ठीक है, लेकिन हर कार्यकर्ता काम पे लगे, कोई कार्यकर्ता निष्क्रिय ना रहे, कोई कार्यकर्ता बिना काम के ना रहे, ये हमेशा पार्टी का एक सिद्धांत रहा है। इसी सिद्धांत पे हम लोग चले हुए हैं। तो आगे वाले समय में भी जहाँ जहाँ कुछ थोड़ी बहुत कमी रही है उसको पूरा करके अगला चुनाव हम जीतेंगे डेफिनेटली। सर्दियों का सीजन शुरू होते ही शिमला जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। जिला प्रशासन ने बर्फबारी के दौरान सभी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए PWD, IPH सहित अन्य विभागों के साथ बैठक कर अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं।
ताकि आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान समयबद्ध कार्य सुनिश्चित किया जा सके। बर्फबारी से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में सभी तैयारियां पूर्ण कर जिला प्रशासन को सूचित करें। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बर्फबारी से निपटने के लिए की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग इस संदर्भ में अपने अधीन नोडल अधिकारियों की तैनाती कर 30 नवंबर 2021 तक जिला प्रशासन को सूचित करे ताकि प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कम्युनिकेशन प्लान बनाया जा सके। उन्होंने सर्दियों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए विभागों को पंचायत स्तर तक विशेष प्रचार एवं जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाए कि सर्दियों में आग से बचाव के लिए उन्हें क्या करना चाहिए वो क्या नहीं करना चाहिए। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि बर्फबारी को लेकर के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर के बाद प्रदेश में बर्फबारी के आसार है, जिसको लेकर के सभी विभागों को तैयारियां कर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि बैठक में PWD, IPH, बिजली विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी शामिल हुए हैं। सभी को बर्फबारी के दौरान अधिक प्रभावित क्षेत्रों में पहले से इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्दियों का सीजन आ गया है और जो हमारा IMD है उनकी तरफ से ये फोरकास्ट है कि 15 दिसंबर के बाद जो है मौसम खराब हो सकता है और बर्फबारी की आशंका है। तो उसी की के लिए जो है हमने एक प्रिपरेटरी मीटिंग आज की थी, उसमें हमने जो है PWD, IPH और तमाम जो विभाग हैं उन सबको आज यहाँ बैठक के लिए बुलाया था। उसमें एजेंडा फिक्स किया था डिपार्टमेंट वाइज। तो मेनली जो है आज उसमें ये डिस्कशन हुआ है कि जैसे बर्फबारी होती है तो उससे पहले ही जो है हम लोग अपनी सारी तैयारियाँ करके रखें। तो उसमें मेनली जैसे हमारा PWD नेशनल हाईवे से ये आग्रह था कि जैसे बर्फ़ से अगर कोई रोड्स वगैरह बंद होती हैं तो उसको जो है तुरंत वो लोग बहाल करें। तो ऐसे पॉइंट्स वगैरह आइडेंटिफाई करके रखें जो हर साल बर्फ़ की वजह से बंद होती हैं और वहाँ पे मशीनरी और मैन पावर वगैरह डिप्लॉय करें ताकि जैसे ही बर्फ़ की वजह से बंद होती हैं तो उन्हें तुरंत जो है बहाल किया जाए। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिजली की जो है कुछ समस्याएं आती हैं क्योंकि लाइन्स पे जो है पेड़ वगैरह गिर जाते हैं। तो शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने बर्फबारी के दौरान पुलिस दल की तैनाती तथा चेन युक्त गाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि आपातकालीन समय में कार्यवाही अमल में लाई जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में एम्बुलेंस को चेनों से लेस कर तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी तैयारियां सुनिश्चित करें ताकि बर्फबारी के दौरान बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। किसान आंदोलन के एक साल पूरा होने पर देश भर में आज धरना प्रदर्शन किए गए। शिमला में भी शेरे पंजाब पर हिमाचल किसान सभा व अन्य वामपंथी संगठनों ने प्रदर्शन किया व केंद्र की मोदी सरकार से किसानों की अन्य मांगों को पूरा करने की डिमांड की है। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तनवर ने बताया कि किसान 3 कृषि कानून के विरोध में देश भर में एक साल से आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि 3 कानूनों की वापसी का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन किसानों की अन्य मांगे भी इससे जुड़ी है। किसानों को फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए वो इसके लिए कानून बनाया जाए, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बिल को वापिस लिया जाए। कुलदीप तनवर ने कहा कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर बनाए गए मुकदमों को वापस लेने के साथ साथ लखीमपुर खीरी हादसे में मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन मांगों को लेकर देश भर के किसान 29 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। दुख इस बात का है कि जब 750 के करीब किसानों ने शहादत दी उसके बाद इन कृषि कानूनों को वापस लिया गया। इस समय जो मुख्य मांग किसान आंदोलन की है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको गारंटी मिले, उसको एक कानून का एक दर्जा दिया जाए, पहली मांग ये है। दूसरी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसको सरकार ने जो 12 दौर की वार्ता हुई थी उसमें कहा था उसे वापस लिया जाएगा, उसे नहीं लिया गया, इस संसद सत्र में उसे भी वापस लिया जाए। तीसरा है जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बिल है NCR रीजन और एडजॉइनिंग एरिया के अंदर है उसमें जो पीनल क्लॉजेज है पराली जलाने के लिए उसे वापस लिया जाए। इसके अलावा इस एक साल के दौरान जो लगभग 750 किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए,
और उनके ऊपर जो पर्चे दाखिल हुए हैं, उनके ऊपर जो डिफरेंट केसेस हैं, उसे सरकार वापस ले। जय मिश्र इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्हें ना उनको उनके पद से हटाया गया, ना उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा।
आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड शनान संजौली शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।